छोरी ना छोड़ दे ली मेरे घर बार में बापी अब मैं अभी अरे चल करे मुझे सांस्कृतिक कार्यक्रम में गाने में नाचने में मेरे को बहुत तसली थी, इसको बदल के लाते इसलिए मैंने जो मेरे गुरु थे पैर में मैंने परेशानी की, उसके बाद मैंने ये काम किया क्योंकि गाने और नाचने में मुझे बहुत चॉइस थी। भावना तेरी याद में डांस का नाम इसको छोरिया नृत्य बोला जाता है, जैसे बारातों में है इसको छोरिया नृत्य बोलते हैं। वैसे शास्त्र के अनुसार जो शास्त्र में लिखा गया है देवी देवता जो ये हमारे बर्तन है, ये बर्तन है जिसको अंगाड़ा बोलते हैं, दमो बोलते हैं, ये पूजा पाठ में भी जाते हैं, कहीं पर कथा होती है मंदिरों में कथा में भी ये जाते हैं। तो और इसमें हमारी पास एक चूरी होती है भोकर जिसको बोलते हैं, और तो वो मंदिरों में जाते हैं, उसके बाद हम लोगों को ये लोग जो है शादियों में भी बुलाते हैं। वैसे जब ये देश जो था पहले अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन ये देश हमारा भारत जो था, उसमें अलग अलग राजा लोग छोटे 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 राज्यों में अलग अलग राजा लोग रहते थे, तो उनके पास ये हम लोग सब होते थे। तो राजा लोगों को पूरी सेना को जोश देने के लिए ये बाजा जो है कि बजता था, आगे हम मर मिटने को जो है कि ढाल और तलवार लेके हम मर मिटने को तैयार रहते थे कि हम उनका सामना करेंगे। इसलिए ये जो है ये चलती आई है, अभी भी हमारे कुमाऊं में जो है पहाड़ में ये रीति रिवाज। कुमाऊनी गीत होते हैं जिसको पहाड़ी भाषा में बोला जाता है, इसको कुमाऊनी या गढ़वाली नेपाली, नेपाल से नेपाली गाने अलग होते हैं, गढ़वाल से गढ़वाली गाने अलग होते हैं, हमारे कुमाऊं से कुमाऊनी गाने अलग होते हैं, वो अपनी अपनी भाषा में गाए जाते हैं। ये गाने इसलिए गाते हैं कि दूसरे को, जैसे हमारे भाई साहब बैठे हैं, इनका दिल बहलाने के लिए, क्योंकि इनका भी दिल उस गाने में मस्त हो जाएगा तो हमारे साथ ये भी डांस कर सकते हैं। ठीक है सर, हर किसी का दिल भर जाता है, वो अपना दुख जो उसको कोई अगर प्रॉब्लम हो वो उस गाने में मस्त हो के अपना समय अपना दुख दूर कर लेता है।
सर ऐसा है कुछ बहुत तो हम भी बना लेते हैं कुछ बहुत गाने अपने आप ही में, कुछ बहुत जो गायक कलाकार हैं आजकल कैसेटें हैं दुनिया भर की चले हुए उनमें से हम कुछ बहुत हम भी नोट कर लेते हैं। अरे चल करे